गुड मॉर्निंग, कैसे साहब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। पहले से तो बस गला थोड़ा सा अभी भी मतलब बैठा हुआ है, तो वो भी ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। और अभी सुबह के करीब से 6:15 का टाइम है। मैं ज़्यादा इतनी टाइम पर उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि मेरा जो जॉब का टाइम है तो वो 10:30 का है, तो तब तक मैं आराम से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले पापा के लिए चाय बना देती हूँ क्योंकि उन्हें सुबह ही जल्दी चाय पीने की आदत है, तो रात में उनके लिए दूध रखा रहने देते हैं हम। और सुबह फिर सबसे पहले उन्हें चाय बना दूँगी और थोड़ी सी चाय मैं ले लूँगी, ज़्यादा नहीं, आधा कप, क्योंकि मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं, मुझे आदत है, तो थोड़ी सुस्ती सी रहती है। और चाय पी ले लेती हूँ तो मेरा मन अच्छा हो जाता है और काम में भी फुर्ती आ जाती है मेरे। तो अब देखिए मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फिर वो गीला हो जाता है, तो फिर अच्छे से झाड़ू नहीं हो पाती है, तो मैं इसलिए सबसे पहले बाहर लगाऊँगी। और बहुत बड़ा है ये हमारा बाहर का, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, तो मैं यहाँ लगा के झाड़ू, और जो मंदिर है उसे तो हम धो देते हैं, उसमें झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, तो यहाँ झाड़ू लगा के अंदर आ जाती हूँ। और अंदर मैं बर्तन वगैरह जो पीने का पानी रहता है और डेली यूज के लिए, तो वो हम भर लेंगे। वैसे तो टैप वाटर भी आता है पर ये हमारी बोरिंग का पानी है तो इसे भी मैं रोज़ फ्रेश भरते हैं तो वो भर लेती हूँ, तो वही क्योंकि लाइट कभी चली जाती है तो फिर जाते हैं। और उसके बाद मम्मी भी जाग गई थी, तो मम्मी सुबह हल्का फुल्का कुछ लेती हैं तो उनके लिए मैं या तो जूस बना देती हूँ, पर अभी उनकी भी थोड़ी तबीयत ऐसी मतलब सर्दी जुकाम है उन्हें, तो वो भी जूस नहीं लेंगी, तो मैं उनके लिए थोड़े से मखाना को फ्राई कर दूंगी। तो क्या है कि हल्के भी होते हैं खाने में और काले नमक के साथ खाओ तो उनसे थोड़ी भूख भी खुलती है, तो मम्मी ज़्यादा रही लेती हैं तो बस उन्हें ब्लैक साल्ट से फ्राई करके उन्हें दे दूंगी तो उनका हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर पोहा के लिए मसाला काट लेती हूँ, आलू प्याज और हरी मिर्ची, तो सुबह पोहा हो जाएगी नाश्ते में और चाय के साथ। तो निमी भी जाग जाएगी तब तक मैं जाकर देखूँगी, तो उसे भी थोड़े से पोहा खिला दूँगी क्योंकि वो खा लेती है तो उसका भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो बस यहाँ मैं बना लेती हूँ पोहा। तो मैं पोहा को हम लोग सौंफ में मतलब सौंफ डालते हैं, कोई कोई क्या है कि राई भी डालता है, कोई जीरा, पर मुझे तो सौंफ में अच्छा लगता है, तो सौंफ डालकर और उसमें मिर्ची और प्याज को डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं पहले ही पोहा को धोकर रख दूँगी क्योंकि अगर तुरंत धो तो फिर थोड़ा सा गीला रह जाता है, और थोड़ा जब तक आलू पकेगा तब तक पोहा भी अच्छा हो जाएगा खिला खिला। तो अगर आपके ही पोहा गीले हो जाते हैं तो यही ट्रिक अपनाइए कि उसे पहले थोड़ा सा पहले धोकर रख दीजिए। और यहाँ पर मैं उसमें नमक मिला दूँगी, देखिए कितना अच्छा हो गया पोहा। मैं मूँगफली फ्राई करना भूल गई थी तो मैं यहाँ एक और दूसरी कढ़ाई रखकर उसमें मूँगफली को फ्राई कर लूँगी। और मूँगफली को कभी भी पहले नहीं डालना चाहिए, हमेशा बाद में ही डालना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ी गीली सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोग तो बाद में ही फ्राई करके रख लेते हैं निकाल कर और फिर ऊपर से डाल देते हैं, तो बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए ये पोहा की प्लेट लगा दी मैंने भाई की क्योंकि उसे भी जाना है, तो थोड़े ज़्यादा नाश्ता कर। और अब मैं ऊपर आकर देखती हूँ तो निमी भी जाग गई है, तो मैं बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम दूंगी उसे, और इसके बाद मैं उसे ले जाऊंगी वॉशरूम में तो उसे फ्रेशन अप कर दूंगी, और उसके बाद मैं उसका नाश्ता चाय वगैरह करवा के, मतलब चाय तो नहीं पीती है ना दूध पीती है, बस थोड़ा सा पोहा खाएगी और उसे अगर बिस्किट वगैरह खाना होगा तो थोड़ा सा बिस्किट खाएगी, और फिर बस यही उसका नाश्ता हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊँगी भाई के रूम में, तो मैं उसके रूम की क्लीनिंग वगैरह कर दूंगी, बेडशीट वगैरह ठीक करके और झाड़ू पोछा कर लूंगी सभी जगह पर ऊपर, क्योंकि नीचे तो मैं पहले ही कराई थी, ऊपर कर रह जाता है क्योंकि यहाँ सब लोग लेटे रहते हैं, तो फिर मैं बाद में ही करती हूँ ज़्यादातर। तो बस मैं ऊपर यहाँ भैया के रूम में झाड़ू पोछा कर दूंगी और नीचे हॉल वगैरह में सब जगह करके, और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, तो किचन में मैं थोड़ा बहुत जितना मुझसे वो पाता है मतलब सब्ज़ी वगैरह कट कर दूंगी या छोंक दूंगी जैसा टाइम होगा, और बाकी का काम मेरी छोटी सिस्टर कर लेती है जो रह जाता है, क्योंकि अभी मैं मायके में ही रहती हूँ तो इतना ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है सुबह का टाइम का, जितना मुझसे हो जाता है तो कर देती हूँ और नहीं पता है तो फिर वो कर लेती है। तो बस शाम का जरूर खाना वगैरह मैं बना देती हूँ और सुबह का तो वो भी कर लेती है, तो हम लोग मिलकर कर लेते हैं। तो फैमिली में रहूँ तो सपोर्ट तो रहता है, और मेरी मायके और ससुराल दोनों से ही मुझे सपोर्ट है, तो ऐसा कोई
इशू नहीं रहता मुझे कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर करना है कुछ भी काम, जो हो पाता है तो कर देती हूँ और जो नहीं हो पाता है तो छोड़ देती हूँ। तो अभी बस मैं निमी को भी तैयार कर दूँगी, नहला कर ले आई हूँ, मैं उसे पहले तैयार कर देती हूँ मोस्टली, क्योंकि वो क्या है कि अगर मैं नहा कर आती हूँ और फिर उसे वॉशरूम ले जाती हूँ तो वो मुझे भी गीला कर देती है क्योंकि वो थोड़ा तंग करती है, तो मैं सोचती हूँ पहले उसे तैयार कर। आ गई मैं किचन में और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी को छोंक देती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी सब्ज़ी को कट करके रख लेती हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो बस आलू गोभी और टमाटर और यहाँ पर मसाले के लिए प्याज लहसुन को भी काट लूँगी और फिर फटाफट सब्ज़ी को छोंक दूँगी और बाकी का काम मेरी सिस्टर आकर कर लेगी। तो मैं फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए, तो बस नहा कर फिर लंच वगैरह रह जाएगा तो बस। और यहाँ मैं निमी के लिए थोड़ा सा खिचड़ी भी बना दूँगी तो उसे खिचड़ी खिला दूँगी तो बस उसका भी हो जाएगा लंच वगैरह, तो मेरे सुबह का काम हो जाएगा और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी निकलने के लिए। तो बस ज़्यादा मेकअप वगैरह तो पसंद नहीं है डेली में, मैं जब भी कहीं फंक्शन में या कोई पार्टी वगैरह या कोई त्यौहार होता है तभी तैयार होती हूँ, मतलब अच्छे से मेकअप वगैरह, वरना मैं डेली में कोई मेकअप नहीं लगाती हूँ। तो बस मैं कॉम कर लूँगी और कॉम में मैं ज़्यादातर थोड़ा सा हल्का सा पफ बनाकर बस जूड़ा ही बनाती हूँ, मैं कोई खुले बाल भी नहीं रखती हूँ क्योंकि बाल इधर उधर गिरते हैं तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादातर बाल को बांध कर ही रखती हूँ। तो बस कॉम करके मैं जूड़ा बना लूँगी और डेली में वही क्रीम पाउडर और बिंदी सिंदूर लगा लूँगी और हल्का सी लिप ग्लॉस लगा कर रेडी जाऊँगी। तो ये मेरा डेली का ही लुक रहता है, मैं कोई स्पेशल तैयार नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है ज़्यादा कुछ मेकअप मेकअप, तो बस ऐसे ही मैं रेडी हो जाती हूँ और टाइम भी हो गया है तो बस अब निकलती हूँ। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अगले ब्लॉग में।